जलंधर फगौड़ा जीटी रोड पर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में रात करीब 12 बजे पुलिस रेड के बाद भड़के स्टूडेंट्स की भीड़ ने हाईवे जाम कर एक कार और स्कूटर को आग लगा दी। स्टूडेंट्स ने गमले और अन्य सामान फेंक कर हाईवे जाम कर दिया। रात करीब 1:30 बजे तक LPU के सामने करीब 6 किलोमीटर तक हाईवे जाम लगा रहा। पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 2 बजे हाईवे पर जाम खोला जा सका। मुंडा मर गया, इस दौरान स्टूडेंट नारेबाजी करते हुए हाईवे पर आ गए। इस दौरान तेज रफ्तार एक कार ने 3 स्टूडेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ ने कार रोक ली, ड्राइवर फरार हो गया। लड़कों ने कार को आग लगा दी। जख्मी स्टूडेंट्स को रामा मंडी जोहल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने दुकानों के बोर्ड व हाईवे पर तोड़फोड़ की। स्टूडेंट्स ने पुलिस पर हवाई फायर करने के आरोप भी लगाए हैं। और अब क्या मुरे जागे हुए। जलंधर से जागृति लहर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।